In this video, we will discuss about measures for pest and disease control during storage. Okay, so in previous video, we already discussed about what is seed storage and factors affecting seed longevity during storage. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स को या पेस्ट या डिजीजेस जो स्टोरेज के टाइम पर आती है, सीड्स को अफेक्ट करती है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो मेजर्स फॉर पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज, देयर आर हैवी लॉसेस इन कोर्स ऑफ ग्रेन स्टोरेज. बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं सीड स्टोरेज के टाइम पे पेस्ट और डिजीजेस से. इम्पॉर्टेंस ऑफ द एडिशनल ग्रेन दैट कैन बी मेड बी अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय पेस्ट फ्री पेस्ट कंट्रोल्ड स्टोरेज इज इंटेंसली फेल्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल एग्रीकल्चरल ईयर्स. ओके, तो क्या होता है, किसी भी सीड्स को स्टोरेज में ह्यूमंस के कंजप्शन के लिए बचाने के लिए हमको पेस्ट और डिसीज से सीड्स को बचाना होता है. ओके, अनफेवरेबल एग्रीकल्चर ईयर्स में मोर देन 65% ऑफ द टोटल ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन इज रिटेन्ड एंड स्टोर्ड बाय द फार्मर फॉर फूड फीड एंड सीड पर्पस टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट. जो 65% से ज़्यादा जो सीड्स होते हैं टोटल ग्रेन प्रोडक्शन के, उसमें से जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, उसको फूड पर्पस के लिए या सीड पर्पस के लिए रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए, या आपके पूरे सीजन्स में फीड पर्पस के लिए. ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 5-8% ऑफ ग्रेन्स आर रिटेन फॉर सीड, अबाउट 20% इज मिल्ड. ओके, जो 5-10% जो सीड होता है जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम सीड पर्पस के लिए रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में हम उसकी सोइंग करके प्लांट प्रोडक्शन मतलब सीड का प्रोडक्शन कर सके और मल्टीप्लिकेशन कर सके सीड का. और जो 20% जो सीड होता है उसको हम मिलिंग कर लिया जाता है फीड पर्पस के लिए या फूड पर्पस के लिए. ओके, तो कौन कौन से इन्फेस्टेशन ऐसे होते हैं जिसको हमको मेज़र करना पड़ता है, मीन्स कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं जो कि सीड को स्टोरेज के टाइम पे उसकी लॉन्जिविटी को अफेक्ट करते थे. फर्स्ट है फील्ड इन्फेस्टेशन. फील्ड से भी कुछ इन्फेस्टेशन आ सकता है, इंसेक्ट्स का या डिसीजेज का. इन्फेस्टेशन बाय माइग्रेशन, ठीक, कुछ इंसेक्ट्स के माइग्रेशन के द्वारा या डिसीज का जो स्पोर्स का माइग्रेशन होता है थ्रू एयरबॉर्न या सीड बॉर्न, तो उसके थ्रू भी एक सोर्स हो सकता है इन्फेस्टेशन का. इन्फेस्टेशन थ्रू कन्वेयंस, ओके, स्टोरेज बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, बर्ड्स नेस्ट एंड आंट्स, रोडेंट्स, बरोस, रोडेंट के जो होल्स होते हैं बरोस होते हैं उनसे भी जो सीड होता है वो अफेक्ट होता है. सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, कुछ क्रैक्स होते हैं, क्रेविसेस होते हैं, तो वहाँ पर के क्या होंगे, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज के स्पोर्स या फिर एग्स लार्वी वहाँ पर छिपे हुए रहते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन हो सकते हैं स्टोर्ड प्रोडक्ट के. सम इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट द सीड ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, तो हमको इस टॉपिक में क्या करना है, मेजर्स फॉर पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल. तो कौन कौन से ऐसे पेस्ट हैं जो कि सीड को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज. राइस ब्लैक वीविल सीटोफिलस ओराइजी, मेज वीविल सीटोफिलस जीमेज, लेजर ग्रेन बोरर हो गया राइजोपर्था डोमिनिका, पल्स बीटल हो गया जो सारे पल्सेस में लगता है कोलाइचोबुरुसा चाइनेंसिस, राइट, एंगुइमॉस ग्रेन मॉथ हो गए, सीटोट्रोगा सीरियलेला, टेमेरिन बीटल हो गए सीटोट्रोगा फस्कस, खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, रेड रस्ट फ्लोर बीटल या रेड फ्लोर बीटल भी कह सकते हैं जो कि है ट्राइबोलियम कास्टेनियम, शॉर्ट टूथेड ग्रेन बीटल हो गया ओराइजिफिलस सुरिनामेंसिस, राइस मॉथ हो गए कोसाइरा सिफेलोनिका. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है जो कि स्टोर्ड पेस्ट को
सॉरी स्टोर्ड ग्रेन को अफेक्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीड। सो हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में, सबसे पहले उसका कंट्रोल, कंट्रोल में क्या करते हैं, प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव मेजर्स हो सकता है, मतलब जो इन्फेक्शन के या इन्फेस्टेशन के सोर्स है उसको हम आने से पहले ही रोक सकते हैं, या आने के बाद क्यूरेटिव मेजर्स हम कर सकते हैं डिसीज या इंसेक्ट्स के आने के बाद। ओके सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, हाइजीन और सैनिटेशन। ओके जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है और जो सीड्स होते हैं उसको हम, सीड को हमको क्लीन रखना है। ओके और जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, हाइजीन रखना है, वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना है। थ्रेशिंग फ्लोर एंड यार्ड शुड बी क्लीन फ्री फ्रॉम इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। जो थ्रेशिंग फ्लोर या जहाँ पर हम सीड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको, उस जगह को, उस प्लेस को क्लीन होना चाहिए, फ्लोर को, ठीक है, इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन से उसको फ्री होना चाहिए। क्लीन द हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेशिंग मशीन्स बिफोर देयर यूज़। कोई भी हम हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको अगर दूसरे, पहले दूसरे क्रॉप का हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग किया है, तो जब हम दूसरे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं अदर क्रॉप्स की, तो उसके पहले हमको प्रॉपर क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। ट्रक्स, ट्रॉलीज और बुलक्स कार्ट विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सीड्स शुड बी मेड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। ओके अगर हम किसी सीड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो जो भी ट्रक्स, ट्रॉलीज या बुलक्स का, ये बुलक कार्ट का यूज़ कर रहे हैं उनको इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से फ्री होना चाहिए। क्लीन द स्टोरेज स्ट्रक्चर गोडाउन्स बिफोर स्टोरेज ऑफ न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप। ओके तो जो आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है और गोडाउन्स होते हैं उनको कोई न्यू सीड्स को स्टोर करने से पहले प्रॉपर सैनिटाइज या फ्यूमिगेट कर लेना चाहिए। ऑल डर्ट एंड वेबिंग्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द स्टोर्स एंड डिस्पोज या डिस्ट्रॉय। जो भी डर्ट या वेबिंग्स होगी, ओके तो उनको सारे को क्लीन कर लेना है स्टोरेज स्ट्रक्चर के। ऑल द क्रैक्स, क्रेवाइसेस, होल्स एग्जिस्टिंग इन द फ्लोर सीलिंग शुड बी प्लास्टर्ड विथ मड और सीमेंट परमानेंटली। ओके जो भी क्रैक्स या क्रेवाइसेस होते हैं सीड स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स में या गोडाउन्स में, तो उसमें जो भी क्रैक्स, क्रेवाइसेस या रोडेंट्स के बरोज होंगे, होल्स होंगे, तो उनको सारे होल्स को फिल कर देना है, मतलब प्लास्टर्ड कर देना है मड या सीमेंट से परमानेंटली। ओके ऑल द रेड बरोज शुड बी क्लोज्ड विद अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड मड एंड देन प्लास्टर्ड विद मड सीमेंट। जो भी आपके रोडेंट्स के या रेड्स के जो बरोज होते हैं उसमें सबसे पहले क्या करना है, कांच के ब्रोकन पीसेस होंगे उसको डाल देना है, उसके बाद मड या और उसको परमानेंटली सीमेंट से प्लास्टर्ड कर देना है। वाइट वॉश द स्टोर रूम्स बिफोर स्टोरेज ऑफ सीड्स। सीड के स्टोरेज से पहले जो गोडाउन्स के रूम्स होते हैं उनका वाइट वॉश करना है। सीड्स शुड बी कैप्ट इन स्टोर्स विच आर रेट एंड मॉइस्चरप्रूफ। सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जहाँ जो कि रेट और मॉइस्चर के लिए प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ हो। ओके वहाँ पर उन सीड्स को स्टोरेज किया जाता है। प्रॉपर स्टैकिंग ऑफ बैग्स ऑल्सो हेल्प्स इन द सीड प्रोटेक्शन। ओके प्रॉपर स्टैकिंग मतलब एक स्टॉक में 5 to 6 बैग्स को ही रखना चाहिए, ज़्यादा स्टैक, ज़्यादा बैग्स के स्टॉक्स नहीं बनाने चाहिए, जो कि एक तरीके से वो सीड को प्रोटेक्ट कर सकता है। जो भी हम सीड्स को भरने के लिए बैग्स वगैरह ले रहे हैं उन बैग्स को, अगर न्यू बैग्स हैं तो उनको गर्म पानी में डिप करके एक बार प्रॉपर क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर अगर हम पुराने बैग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर क्या करना चाहिए, हमको गर्म पानी में 24 घंटे के लिए डिप करके रख देना चाहिए, उसके बाद उसको जो ड्राई वेदर होंगे सनलाइट पे सुखा देना चाहिए, जिससे कि अगर जूट बैग्स या प्लास्टिक बैग्स में कोई इंसेक्ट्स के लार्वी या एग्स होंगे या फंगस के स्पोर्स होंगे तो वो रिमूव हो जाते हैं। डिस इन्फेस्टेशन ऑफ स्टोर्स एंड रिसेप्टेकल्स। ओके जो भी स्टोर होगा सीड का स्टोरेज, वह को और रिसेप्टेकल्स को डिस इन्फेस्टेट करना है। बिफोर द यूज़ द रिसेप्टेकल्स या और स्टोर रूम
should be disinfested with approved residual insecticide, preferably by spraying Malathion 50 EC, 3 ml per liter of water, or Dichlorovas 100 EC at the rate of 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इसकी आप स्प्रेइंग कर दीजिए जिससे कि जो स्टोर रूम या रिसेप्टेकल्स होंगे, जो भी गोडाउंस के रूम्स होंगे, वो डिसइंफेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड्स में ही हम एक बोल सकते हैं लीगल मेथड। ठीक है, लीगल मेथड में क्या होता है, एक एक्ट है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जो कि 1940 में बनाया गया था। वो जो एक्ट है वो क्या कहता है कि किसी एरिया में अगर कोई डिसीज या इंसेक्ट पेस्ट है तो उसको दूसरे एरिया में आने से पहले, एंट्री से पहले, उस किसी भी सीड्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको सबसे पहले चेक किया जाता है पोर्ट प्लेयर्स में, एयरपोर्ट्स में, जहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस एक्ट्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो सीड उस रूल्स को फॉलो करता है तभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ सकता है। एंट्री ऑफ एन इंसेक्ट विच इज़ नॉट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इम्पोजिशन ऑफ DIP एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर्स। तो डिसीज के आने के पहले जो भी हम मेजर्स करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, डिसीज या इंसेक्ट। और उनके आने के बाद हम जो भी मेजर्स करेंगे उसको बोलेंगे क्यूरेटिव, मतलब आने के बाद हम उन चीज़ों का को क्योर कर रहे हैं। तो क्यूरेटिव मेजर्स में हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो होता है नॉन केमिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड, राइट। तो नॉन केमिकल कंट्रोल मेजर्स में क्या होगा, इकोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स। तो इकोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स में क्या होंगे, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो नॉन केमिकल कंट्रोल मेजर्स में क्या, न्यू मेथड्स, ओके। तो नॉन केमिकल में क्या है, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक होना चाहिए, स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो ना तो कम हो। ऑक्सीजन की सप्लाई एक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रूफ होना चाहिए, या फिर जो सीड्स के मॉइस्चर कंटेंट है उसको एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही होना चाहिए, में 4 to 14% तक। ठीक है, और अदर मेथड है न्यू मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इंसेक्ट्स इन बल्क स्टोर्ड सीड। द ट्रैप्स आर सिंपल टू यूज, हेल्प्स इन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट। ओके, तो हम कुछ ट्रैप्स का यूज़ करते हैं जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट उसे अट्रैक्ट होकर के स्टोर हो जाते हैं, उस ट्रैप्स में चिपक जाते हैं, जिससे कि हम स्टोर्ड पेस्ट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक सीटोफिलस ओराइजी, राइसोपर्धा डामनिका, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, ओराइसोफिलस सिरोनामेंसिस एंड सीटोट्रोगा सीरियलेला कैन इफेक्टिवली बी ट्रैप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय ट्रैप। कुछ मॉथ और कुछ बीटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप्स के थ्रू ट्रैप्ड किए जा सकते हैं। फर्स्ट पल्स बीटल ट्रैप, डिजाइन फॉर पल्स बीटल। पल्स बीटल ट्रैप होता है जो कि अगर किसी सीड्स में पल्स बीटल का अटैक होता है तो उनको वो अट्रैक्ट करता है। पीट फॉल ट्रैप, सॉइल इनहिबिटिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट क्या होंगे, सॉइल इनहेबिट होते हैं, मतलब सॉइल्स में होते हैं। दिस ट्रैप्स कैन लॉजिकली बी यूज इन बल्क स्टोर्ड सीड फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट्स एक्टिव ऑन द सीड सरफेस। इस ट्रैप का कब यूज़ किया जाता है, जब हम कोई सीड को बल्क में रखते हैं, सीधे वो फ्लोर के कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उस कंडीशन में हम पिटफॉल ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप बहुत सारे टाइप के होते हैं, यूवी लाइट्स का यूज़ होता है, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट। तो ग्रीन लाइट का जो यूज़ किया जाता है लाइट ट्रैप में, वो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स के लिए किया जाता है, जो भी जितने भी मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज होते हैं जो कि स्टोर्ड पेस्ट में आते हैं, स्टोर्ड ग्रेन पे अटैक करते हैं, राइट। नेक्स्ट है यूवी लाइट। यूवी लाइट ट्रैप में, लाइट ट्रैप में कौन कौन से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि राइजोपर्था डोमनिका, लेजर ग्रीन बोरर, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, लेसियोडर्मा सेरिकॉर्नी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो कि यूवी लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। यूवी लाइट ट्रैप्स कैन बी यूज्ड इन मास ट्रैपिंग एंड फॉर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग ऑफ बीटल इन पैडी बफर स्टॉक वेयर हाउस, एज मेचोरिटी ऑफ बीटल्स अटैकिंग पैडी आर अट्रैक्टेड इन लार्ज नंबर्स टू
टू यूवी लाइट्स। जो पैडी का स्टॉक्स होता है वेयर हाउसेस में, वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बीटल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज के टाइम पे अटैक करते हैं पैडी वगैरह में। तो यूवी लाइट का यूज़ हम क्या क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स मास ट्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। सिग्निफिकेंट अमंग द एम्स आर राइजोपर्था एंड ट्राइबोलियम कास्टेरियम। राइजोपर्था डोमिनिका एंड कास्टेरियम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको यूवी लाइट्स के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टिकी ट्रैप। स्टिकी बोर्ड, स्क्रीन्स, पेपर स्ट्रिप्स, हॉलो ट्यूब्स एंड लार्ज विंग ट्रैप्स हैव बीन यूज टू ट्रैप स्टोर्ड प्रोडक्ट मॉथ। हाउएवर स्टिकी ट्रैप्स आर जनरली यूज विथ फेरोमोन्स। ओके, तो हम स्टिकी ट्रैप बनाने के लिए कोई भी हम बोर्ड्स का या पॉलीथीन शीट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट स्टिकी मटेरियल लगा करके। ओके, तो इसकी येलो ट्रैप्स होते हैं, ब्लू ट्रैप्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टिकी ट्रैप्स बनाए जाते हैं जैसे कि जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं वो अटैक होते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप को अटैक मतलब जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं उनका भी स्टोरेज पेस्ट में को कंट्रोल करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जो कि फेरोमोन ट्रैप से अट्रैक्ट होते हैं। इपेशिया कॉटेला, सीटोट्रोगा सीरियलेला, कॉर्साइरा सिफेलोनिका, राइजोपर्था डोमिनिका, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, होराइसिफिला सुरिनामेंसिस एंड ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ओके, बट फॉर्चुनेटली इन मेजर फैमिलीज ऑफ स्टोर पेस्ट बीटल द एडल्ट मेल्स रिलीज केमिकल्स कॉमनली टर्म्ड एज एग्रीगेशन फेरोमोन्स। ओके, कुछ इंसेक्ट्स के मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं। ओके, तो उसको एग्रीगेशन फेरोमोन्स कहा जाता है। एग्रीगेशन फेरोमोन्स टू विच बोथ फीमेल्स एंड मेल्स गेट अट्रैक्ट। तो उससे क्या होते हैं, जो उनके उन इंसेक्ट्स के फीमेल्स होते हैं और मेल्स होते हैं दोनों अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबोलियम कास्टेनियम, ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम, राइजोपर्था डोमिनिका एंड ओराइजिफिलस सुरिनामेंसिस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट विच आर अट्रैक्ट और ट्रैप्ड बाय फेरोमोन ट्रैप्स। सो नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल मेजर्स। इन सब मेजर्स के बाद सबसे लास्ट में केमिकल कंट्रोल किया जाता है। ट्रीट द सीड ऑफ सीरियल्स और पल्सेस और ऑयल सीड्स यूज फॉर सीड पर्पस विथ डेल्टा मेथ्रीन 40 ग्राम्स पर केजी ऑफ सीड या बाई फेंथ्रीन 20 मिलीग्राम पर केजी ऑफ सीड। ओके, एंड स्टोर्स द सीड्स बाय पैकिंग दैम इन पॉलीथीन गनी बैग्स। राइट, जो भी सीड्स होंगे उसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है इन केमिकल्स के द्वारा। राइट, ऑयल सीड्स कैन बी ट्रीटेड विथ मेलाथियॉन 4% डस्ट एट द रेट ऑफ 50 मिलीग्राम पर केजी ऑफ पॉड्स और सीड्स। ओके, जो पल्सेस और सीरियल्स होंगे उनका जो सीड ट्रीटमेंट होगा वो होगा डेल्टा मैथ्रीन या बाइफेंथ्रीन के थ्रू, और जो ऑयल सीड्स होंगे उनका जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है उनका मेलाथियॉन 4% डस्ट से किया जाता है। फ्यूमिगेशन और फ्यूमिगेट सीड्स एट द रेट ऑफ 7 टैबलेट्स पर टन ऑफ सीड्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक इन एयर टाइट कंडीशन बाय एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट। ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की 7 टैबलेट्स पर के टन ऑफ सीड्स से हम उसको फ्यूमिगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि स्टोरेज ग्रेन्स पर अटैक करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन कौन से ऐसे फंगस होते हैं जो कि स्टोर्ड ग्रेन्स पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एस्परजिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट जेनेराज होते हैं फंगस के जो कि अटैक करते हैं। ओके, तो इनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ड्राई द सीड टू सेफ मॉइस्चर लेवल। सबसे पहले तो सेफ मॉइस्चर लेवल तक सीड को ड्राई करना होता है। एंड देन ट्रीट सीड्स विथ थीरम और कैप्टॉन और मेटालैक्सिल एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स। ओके, तो स्टोरेज फंजाई से बचाने के लिए इस सीड्स को डिफरेंट डिफरेंट फंगिसाइड से हम ट्रीट कर सकते हैं जिससे कि उनमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम से कम मात्रा में हो।
ये कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि जो कॉमन केमिकल्स हैं, थीरम, कैप्टॉन, डाइविस्टीन, मेटालैक्सिल। ओके, सो इनसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और इस प्रकार मेज़र किया जाता है पेस्ट एंड डिसीज़ का ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन।